इसमें डाल दिया भाई भाई का प्रोटीन और वो खड़ी है अपनी रामदेव। भाई कितनी लंबी लाइन लगी हुई है इस टाइम। एनीवे भाई अगर आप इंडिया जा रहे हो ना, इंडिया के लिए आपने क्या क्या फील करना है भाई पहले तो बता दो। तो ये है भाई आज का मौसम। एनीवे भाई बिल्कुल सुबह सुबह उठना पड़ा है आज ना। और आज की जो वीडियो वो आने वाली भाई इंटरेस्टिंग। मैं जा रहा हूँ डब्लिन एयरपोर्ट पे, जो कि नियरली 10 मिनट्स की ड्राइव है मेरे घर से, क्योंकि भाई आज आपको डब्लिन एयरपोर्ट की सैर करा देते हैं। अगर आप डब्लिन एयरपोर्ट पे आते हो तो आप कहाँ से आपने टैक्सी लेनी है, कहाँ से आपने बस लेनी है, और हाँ अगर आपका कोई फ्रेंड आपको रिसीव करने के लिए आ रहा है तो वो आपको कहाँ पे मिलता है। anyway, मैं जा रहा हूँ भाई दोस्त को सामान देने के लिए, वो जा रहा है इंडिया, और फ्रेंड को जाके वहाँ पे मिलते हैं, विकास से आपको मिलाते हैं। चलो फिर लेट्स गो। ये राइट हैंड साइड रहा टर्मिनल 2 और ये रहा भाई टर्मिनल 1। मोस्टली फ्लाइट है ना टर्मिनल 1 पे लैंड होती है, और हम भी भाई टर्मिनल 1 पे जा रहे हैं। चलो फिर नियरली पहुंच चुके हैं अपना। तो ये भाई लेफ्ट हैंड साइड है टर्मिनल 1 और हम जा रहे हैं भाई टर्मिनल 1 की पार्किंग में। भाई 3 यूरो लेते हैं वो हाफ एन आवर का ना। और ये लेफ्ट हैंड साइड है भाई टर्मिनल 1 की पार्किंग। भाई पार्किंग में जाने के बाद ना आपको यहाँ से ना टिकट मिल जाती है, जो की 3 यूरो नीचे लिखा है, ये इसकी फीस होती है। ये मिल गई है हमको टिकट। अब कहीं पे भाई देख लेते हैं आप पार्किंग मिल जाए। भाई मैंने इस टाइम पार्किंग लगा ली है अपनी, मैं भी दरवाजा नहीं खोल पा रहा हूँ। मेरे राइट हैंड साइड जो गाड़ी है उसका दरवाजा मेरी गाड़ी में बिल्कुल अटैच हो रहा है। तो अब क्या हो रहा है सीन, वो गाड़ी अभी अपने पीछे करेगी तब मैं दरवाजा खोलूंगा, फिर वो दोबारा से आके करेगी। ये गाड़ी हो रही है भाई पीछे, और अब मैं अपना डोर खोलूंगा तब दोबारा से गाड़ी आगे आएगी। ऐसे हुआ था देखो, ये दोनों गाड़ी तो क्लोज है कि एक डोर ही खुल पाएगा, तो भाई मैं जैसे बीच में अटक गया था। एनीवे फाइनली आ गया हूँ बाहर। और भाई ये सामान रहा जो भाई को पकड़ाना है इंडिया जाने के लिए ना। आई थिंक भाई मास्क लगाना पड़ेगा यहाँ पे अंदर जाने के लिए। भाई ये हम पार्किंग से बाहर निकल रहे हैं, ये अपना टर्मिनल 1 ने जाना है भाई ऊपर की तरफ। ये है डिपार्चर है ना, ऊपर जा रहे हैं हम, और नीचे अब होता है अराइवल्स। और भाई काफ़ी रश है अभी ना, काफ़ी दुनिया जा रही है भाई घूमने के लिए। और कितनी लंबी लाइन लगी हुई है इस टाइम। तो वही जो सामने स्क्रीन लगी हुई है ना, वहाँ पे आप देख लेते हो कि आपकी फ़्लाइट कहाँ पे जा रही है। तो मैं आपको ये बोलूँगा कि भाई अगर आप डब्लिन एयरपोर्ट से बाहर जा रहे हो ना इस टाइम, 4 घंटे पहले आ जाए एयरपोर्ट पर अगर आप इंडिया जा रहे हो, क्योंकि भाई इस टाइम रश बहुत ज़्यादा है। और जो मैंने सुना वो है कि भाई सिक्योरिटी पे आपको काफ़ी टाइम लग जाता है, कई बंदों की फ़्लाइटें भी मिस हो गई हैं यहाँ पे, क्योंकि रश काफ़ी है, स्टाफ कम है इनके पास। हमने जाना है भाई 14 नंबर पे। तो ये है भाई अपना 14 चेक इन एरिया। भाई लिफ्ट से जाना पड़ेगा नीचे, भाई इतना टाइम नहीं है, काम करते हैं सीढ़ियों से चलते हैं। भाई जब आप डब्लिन एयरपोर्ट पे आ रहे हो ना, आपको यहाँ पे ना मास्क लगाने की ज़रूरत नहीं है, मास्क किसी ने भी नहीं लगा रखा है। तो ये है भाई चेक इन एरिया जो टर्किश एयरलाइन का है। तो वो खड़ा हुआ है भाई अपना बंदा। कैसा विकास मिल रहा है भाई? नियरली 2 साल के बाद मिल रहा है। 2 साल के बाद भाई जा रहा है भाई इंडिया। कैसी फीलिंग आ रही है? थोड़ा सा सामान है एनीवे, भाई ने लेके जाना है इंडिया, होपफुली आ जाए यार। नहीं ट्राई करते हैं, साइड में रखते हैं। भाई ये बैग भरा हुआ है और ये भी भरा हुआ है, तो इसका सामान हमने उसमें ट्रांसफ़र करना है पहले, उसके बाद भाई इस बॉक्स को डाल देना है। चावल और मक्की का आटा है इसमें ना। ट्राई करते हैं भाई, होपफुली आ जाए। देसियों के बैग भाई बड़ी मुश्किल से बंद करने पड़ते हैं भाई, इसके ऊपर बैठ बैठ के ना फिर बंद कराए। फाइनली इसका ठड्डू सा निकल गया ऊपर, बट आ गया भाई इसमें सामान। तो एनीवे भाई अगर आप इंडिया जा रहे हो ना, इंडिया के लिए आपने क्या क्या फील करना है? ये भाई का मैं देख रहा हूँ भाई OCI कार्ड है, ठीक है भाई, फॉरनर हो गया एनआरआई है ना। तो ये भाई अपने एयरसुविधा का फॉर्म भर दिया, ठीक है ऑनलाइन भर दिया है ना, सिर्फ वैक्सीन सर्टिफिकेट लगाया साथ में ना, ठीक है, और कोई कोविड टेस्ट नहीं कराया, और ये टर्किश एयरलाइन की टिकट हो गई। तो ज़्यादा फॉर्मेलिटी वगैरह नहीं रही है ना, बाकी इंडिया जाके पता लगेगा। इंडिया जाके पता लगेगा भाई ना, वो अंदर एंटर करा देंगे या नहीं। भाई हमको एटलीस्ट 15 मिनट हो गए यहाँ पे खड़े हुए, और हम यहीं पर ही खड़े हैं जब से ना। तो भाई इसलिए मैं बोल रहा हूँ जब भी आप आ रहे हो ना, 3 घंटे पहले भाई, 3 साढ़े 3 घंटे पहले आ जाओ, 3 साढ़े 3 घंटे भाई पहले पहुँच जाओ डब्लिन एयरपोर्ट पर। इसमें भाई रश काफ़ी है, उनके पास स्टाफ कम है, जो मैंने सुना है। स्टाफ कम मीन्स यानी कि भाई डब्लिन एयरपोर्ट पर काम करने वाले बंदे इस टाइम कम है। अगर आपके पास वीज़ा है आयरलैंड का, लगवा सकते हो भाई, आ जाओ, ठीक ठाक काम है इस टाइम। बिल्कुल सही कह रहे हैं। बाकी कोई अगर किसी चीज़ की हेल्प की जरूरत है तो यार सचिन जी हैं, इन्होंने पिज्जा खोला है, इनके पास स्टाफ की जरूरत है। चलो भाई मैं नियरली चलने की तैयारी करता हूँ। और भाई यहाँ पे तो ना बंदे आ ही रहे हैं, करते हैं भाई, जा रहा है इंडिया। मेरे को भी ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे मैं भी जा रहा हूँ यार, साथ में ले चलते। चल भाई विकास, ओके। तो भाई दोबारा से जा रहे हैं हम अराइवल से, आपको दिखा देते हैं। जब आप डबलिन एयरपोर्ट पे लैंड करते हो ना, टर्मिनल 1 से बाहर निकलते हो, जैसे ये लोग खड़े हुए हैं ना, ये अपना रिसीव करने के लिए खड़े हुए हैं। जब भी इधर से कोई आएगा, यहाँ से आप एग्जिट करोगे जब आप आ रहे हो, जैसे वो डोर खुला है उधर से आप आते हो यहाँ पे ना, ये है भाई एग्जिट डोर, यहाँ से आप बाहर निकल जाते हो। तो बाहर निकलने के बाद भाई, और टैक्सी के लिए आप जाते हो राइट हैंड साइड पे ना भाई, वहाँ सामने से आपको टैक्सी मिल जाती है। आवाज़ देखो भाई कितनी अच्छी आ रही है चिड़िया की ना। इस टाइम तो भाई उठने का मौका ही नहीं मिलता। हम उठते हैं भाई दोपहर को 11 बजे, जब कौवे बोलने शुरू हो जाते हैं। ये सामने राइट हैंड साइड आप सामने देख रहे हो ना, ये क्यू है टैक्सी के। टर्मिनल की पार्किंग यहाँ पे ना, मतलब जब आपका कोई फ्रेंड आपको रिसीव करने के लिए आ रहा है ना, तो यहाँ पे वो पार्किंग लगाएगा। यहाँ से आप बाहर निकलोगे टर्मिनल, वहाँ से टैक्सी लोगे, और ये रही भाई पार्किंग के लिए टिकट वैलिडेट कराने के लिए। तो भाई देखते हैं कितना बिल बना है अपना। ये कह रहा है भाई 3 यूरो बन गए हैं, और मैंने नियरली भाई 20 मिनट लगाए हैं। तो ये प्रिंट हो गई, टिकट निकल गई है भाई अपनी। और इसके बाद मैं बस आपको बता देता हूँ कहाँ से आपको मिलती है। यार आपने सामने टर्मिनल, तो सामने ही आपको, अगर आपने टाउन के लिए बस लेनी है, किसी भी जगह पे आप आयरलैंड में जा रहे हो ना, तो आपने बस यहाँ से लेनी है। बस खड़ी हुई ना वो गोलवे जाने के लिए खड़ी हुई है। उधर भाई कोर्क बसेस लगी, लिमरिक बसेस लगी हुई है, वो सामने अगर आप देख पा रहे हो, वो सामने दिख रहा है भाई टर्मिनल 2। अगर आपकी फ़्लाइट वहाँ पे लैंड होती है, आपने ये देख लेना है कि आपकी फ़्लाइट टर्मिनल 1 पे लैंड हो रही है या फिर टर्मिनल 2 पे। एनीवे भाई हमको ना 10 मिनट मिलते हैं, जब हम ये पार्किंग कर लेते हैं अपनी टिकट ना, तो अपनी रामपेरे में जाके बैठते हैं, तो फिर बात करते हैं। अगेन ये रही अपनी पार्किंग जहाँ पर मैंने गाड़ी लगाई थी। तो भाई इतनी टाइट जगह होती है ना भाई, जहाँ पे आप गाड़ी लगाते हो, घुसना पड़ता है भाई ना गाड़ी में। वो खड़ी है अपने सामने राम प्यारी, और जगह देखो भाई कितनी सी जगह खड़ी होती है वैसे ना भाई। अगर आप मोटे हो ना तो भाई थोड़ा सा आपको वजन कम करना पड़ेगा गाड़ी में बैठने के लिए ना। देखो भाई कहाँ से घुसे इसमें ना, स्ट्रगल करना पड़ेगा इतनी सी जगह में से ना। फाइनली भाई आ गए हैं गाड़ी में। जब भाई किसी को डबलिन एयरपोर्ट पे उतारते हैं ना भाई, मन नहीं करता है घर पे जाने का। ऐसे मन करता है भाई इंडिया की फ्लाइट लेके यहीं से चढ़ जाए सीधा ना। बट होपफुली दिवाली के टाइम पे जाएंगे भाई ना। सामने भाई बैरियर रहा, अपनी टिकट गई अंदर और वो ऊपर हो गया। ये सामने लिख रखा है वे आउट, आपने राइट टर्न नहीं लेना, आपने लेफ्ट ही ले सकते हो। और वो सामने भाई टर्मिनल 2। भाई काफ़ी इन्फॉर्मेशन हो गया भाई, गला भी सूख गया है। तो अब चलते हैं घर पे, घर पे जाके आपको थोड़ा और एक्सप्लेन करते हैं। आ गए हैं भाई घर। डबलिन एयरपोर्ट आपने देखा है, जब आप आयरलैंड में लैंड करते हो, आप आते हो टर्मिनल 1 पे और टर्मिनल 2 पे। भाई टर्मिनल 2 पे बहुत कम फ्लाइट आती है, मोस्टली फ्लाइट्स आपकी टर्मिनल 1 पर ही आएंगी। और टर्मिनल 1 पे भाई आपने देख लिया सब कुछ, कहाँ पे आप उतरते हो, कहाँ पे आप टैक्सी लेते हो। आपने सिर्फ एयरसुविधा का फॉर्म भरना है ऑनलाइन, और उसको फिल करना है, और उसको आपने प्रिंट आउट निकाल लेना, जो कि आपने अपने साथ में रखना है जब आप डबलिन एयरपोर्ट पे आ रहे हो। भाई हवा बड़ी तेज चल रही है। आपको भाई ये रेकमेंड करूँगा कि जब भी आप आ रहे हो ना यहाँ पे डबलिन एयरपोर्ट पे, तो आपने 3 घंटे एटलीस्ट भाई डबलिन एयरपोर्ट पे पहुँच जाना है, क्योंकि भाई रश काफ़ी है वहाँ पे ना। और सिक्योरिटी में भी आपको क्रॉस करना पड़ता है, जिसमें आपको काफ़ी टाइम लग जाता है। कई बार आप होपफुली फ्लाइट ना मिस कर जाएँ इस चक्कर में ना। तो भाई ये थी डबलिन एयरपोर्ट टर्मिनल 1 से एक छोटी सी वीडियो, जो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी अगर आप डबलिन एयरपोर्ट, डबलिन आयरलैंड में आ रहे हो फर्स्ट टाइम। और आई होप यू एंजॉय द वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ, टिल देन टेक केयर।